और अब बात राजस्थान की करेंगे। सचिन पायलट का अल्टीमेटम अब बस खत्म होने वाला है। पायलट इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात भी अहम मानी जाएगी। अगले चंद घंटे में पायलट प्रोजेक्ट पर सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। राहुल गांधी कल से विदेश जा रहे हैं, ऐसे में जो भी फैसला होना है वो आज और अभी होगा। अगर आज पायलट पर कांग्रेस कोई फैसला नहीं लेती है तो कल की सुबह कांग्रेस टूट भी सकती है, पायलट कहीं और उड़ान भर सकते हैं। इससे पहले भी दिल्ली तलब कर पायलट को मनाने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला आर पार का है। यानी अगले चंद घंटों में अगर पायलट प्रोजेक्ट पर फैसला नहीं होता है तो फिर उधर राहुल गांधी विदेश जाएंगे और इधर राजस्थान में कांग्रेस टूट जाएगी। इकतीस मई राजस्थान के लिए ये तारीख बेहद खास है। कांग्रेस के लिए कैलेंडर का अगला पन्ना पलटना चैलेंज है। आखिर 31 मई को ऐसा क्या होने वाला है? 31 मई से पहले क्यों कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला इतना तेज हो गया है? इन सारे सवालों का जवाब एक अल्टीमेटम में छिपा है। अल्टीमेटम सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। पेपर आउट हो गए इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए, बताइए आप इसको क्या कहेंगे? बुद्धि का दिवाली बन नहीं कहेंगे इसको? इनको मुआवजा दो। दुनिया के इतिहास में किसी ने मांग करी है क्या कि भाई पेपर आउट हो गया कहीं पर तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे एग्जाम नहीं दे पाए हैं इनको मुआवजा दो? दे सकती सरकार? आप बताइए, ऐसी नहीं मांगे की जाती। आर पार की लड़ाई का ऐलान। पायलट ने खुद फैसले का दिन 31 मई का मुकर्रर किया है। तो सवाल है, पायलट करने क्या वाले? जवाब है बगावत। सचिन पायलट की लैंडिंग के 5 विकल्प हैं। आम आदमी पार्टी में जाएं, आरएलपी में जाएं, अपनी अलग पार्टी बनाएं, कांग्रेस में रहें या फिर बीजेपी में जाएं। पायलट इनमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे इसका फैसला 31 मई को हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस आला कमान गहलोत और पायलट को साथ लाने में नाकाम क्यों हो रही है? अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से आप मुलाकात करने वाले हैं इस तरह की? हाँ, करने वाले हैं। आने के बाद ही मालूम होगा कि वो डिस्कशन करेंगे, पार्टी के हित में जो कुछ बातें होगी वो चर्चा करेंगे। सचिन पायलट जहां भीड़ जुटाने वाले क्राउड कैचर की पहचान रखते हैं, वहीं गहलोत गांधी परिवार के सबसे करीबी हैं। पायलट का क्रेज युवाओं में जबरदस्त है तो गहलोत 36 कौम में मेवाड़ के गांधी कहे जाते हैं। पायलट का संघर्ष था जो सत्ता मिली, वहीं गहलोत का जादू था जो अल्पमत की सरकार को भी बहुमत की सरकार बनाकर चलाया। पायलट गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा है। गहलोत पुरानी पेंशन योजना और मुफ्त चिकित्सा योजना की वजह से लोकप्रिय है। पायलट युवा है, बेदाग है, कार्यकर्ताओं की पसंद है, तो गहलोत पार्टी नेताओं में मजबूत पकड़ रखते हैं। ये फॉर्मूले मैंने तो कभी पूरी जिंदगी में सुने नहीं कभी भी कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे मुझे मिल जाए या हाईकमांड उनको ऑफर करेगा आप कौन सा पद दोगे, ऐसा रिवाज कांग्रेस मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है। जितने आपके मीडिया वाले जो प्रचार करते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं या लोग बनवाते रहते होंगे, उसमें कोई दम नहीं होता है। हाईकमांड इतनी मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो,
आप कौन सा पद स्वीकार करोगे? ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है, ना किसी का हिम्मत है वो कहने ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं या स्टोरी बनवाते रहते होंगे, कोई दम नहीं है। दोनों नेताओं की अपनी ताकत है, लेकिन इस बार लड़ाई पूरी तैयारी से लड़ी जा रही है। एक तरफ सचिन पायलट के लिए प्रशांत किशोर कोच की भूमिका निभा रहे हैं, तो गहलोत ने भी कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाने वाले दो रणनीतिकार सुनील कानुगोलू और शशिकांत सेंथिल को अपना कोच बनाया है। राजस्थान में 6 जिले ऐसे हैं जहां पायलट फैक्टर ने कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई थी। कांग्रेस पिछले चुनाव में जो 26 सीटों का मार्जिन बीजेपी पर बना पाई थी, माना जाता है कि वो 26 सीटें पायलट फैक्टर पर ही कांग्रेस को मिली थी। इस गणित को समझने के लिए राजस्थान की पूरी सियासत आपको समझनी होगी। राजस्थान में मेवाड़ इलाका हमेशा से सत्ता की धुरी रहा है। इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ शामिल है। माना जाता था कि जिसने मेवाड़ जीता समझो पूरा राजस्थान जीत गया। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों हर बार अपने चुनावी अभियान का आगाज भी यहीं से किया करती थी। साल 2018 में इस मेवाड़ को बीजेपी ने जीता, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाई। वजह बने सचिन पायलट। इस बार मेवाड़ नहीं बल्कि राजस्थान का द्वार कहे जाने वाले पूर्वी राजस्थान ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जो कभी नहीं हुआ था वो इस बार हुआ। प्रवेश द्वार ही सत्ता का द्वार बना। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर में कांग्रेस को पायलट के बूते बड़ी जीत मिली। बीते चुनाव में जो हुआ वो कास्ट पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि पायलट और गहलोत दोनों जिस जाति से आते हैं वो निर्णायक नहीं है। सचिन पायलट गुर्जर जाति से आते हैं। राजस्थान में 5% वोटर्स इस जाति से हैं। अशोक गहलोत माली जाति से आते हैं। राजस्थान में इनकी संख्या 4% है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की यही ताकत भी है, यही कमजोरी भी है। ऐसे में बाकी जातियां जिसके साथ वही राजस्थान में मजबूत होता है। राजस्थान में ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। 40% ओबीसी वोटर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 10% जाट, 5% गुर्जर और 4% माली वोटर्स हैं। राजस्थान में 10% जाट वोटर्स 10 से ज्यादा जिलों में बड़ा प्रभाव रखते हैं। इनमें नागौर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, चुरू, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर जिले अहम हैं। पायलट गुर्जर समाज से आते हैं। 15 से ज्यादा सीटें गुर्जर समाज के प्रभाव वाली सीटें हैं, जो कि उनकी ताकत भी हैं। इनमें भरतपुर, दौसा, बूंदी, करौली, अजमेर, बारा और भीलवाड़ा जिले शामिल हैं। अशोक गहलोत माली समाज से आते हैं। इनका प्रभाव टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, कोटा, बारा, बीकानेर और जोधपुर में खासा है। बाकी जातियों की बात करें तो राजस्थान में एससी आबादी 18%, एसटी वोटर्स 14%, मुस्लिम वोटर्स 9%, मीणा 7%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 6%, वैश्य 4%, जबकि अन्य 2% हैं। कांग्रेस के भीतर 30 से 40 विधायक पायलट खेमे में हैं, ऐसा दावा उनके समर्थक विधायक करते रहे हैं। हालांकि इसका सही गणित ना कभी गहलोत दिखा पाए ना ही पायलट। फिलहाल जो बड़े चेहरे दोनों की तरफ हैं वो अपने साथ कईयों को ला भी सकते हैं, ले भी जा सकते हैं। अशोक गहलोत के साथ जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वहीं शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और सुभाष गर्ग उनके भरोसेमंद हैं। सचिन पायलट के भरोसेमंद में फिलहाल इंद्राज गुर्जर, हरीश चौधरी, राजेंद्र गुढ़ा, प्रताप सिंह खाचरियावास और ब्रिजेंद्र ओला हैं। कर्नाटक की जीत के बाद से कांग्रेस का जोश हाई है।
राजस्थान चुनाव में 150 दिन से कम का समय बचा है। गहलोत और पायलट की अदावत कांग्रेस के लिए नासूर बनी हुई है। बीजेपी के इस पर खास नजर है, लेकिन कहानी वहां भी अलग नहीं है। वसुंधरा राजे सबसे बड़ी फेस है बीजेपी में। उनके साथ राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी और मनोज राजौरिया जैसे दिग्गज हैं, जबकि उनके राह में रोड़े अटकाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, घनश्याम तिवाड़ी और मदन दिलावर जैसे दिग्गज बैठे हुए हैं। राजस्थान में माहौल तो चुनावी है, लेकिन चुनौतियां विरोधियों से कम और अपनों से ज्यादा है। जो पार्टी अपने अंदरूनी कलह को सुलझाने में कामयाब होगी, जीत की गुंजाइश उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि इस बाबत कांग्रेस की मुसीबतें ज्यादा हैं। गहलोत समर्थकों को लगता है कि आने वाले चुनाव में कहीं पायलट ना बाजी मार जाए, इसलिए वो पसोपेश में है। पायलट समर्थकों को लगता है कि एक बार फिर पायलट को लॉलीपॉप थमाकर चुप न करा दिया जाए। ऐसे में कांग्रेस में होकर भी वो कांग्रेस की जीत से घबरा रहे हैं। दोनों में नुकसान कांग्रेस का ही है। बैठक कई हो चुकी हैं, राहुल से लेकर प्रियंका तक, खड़गे से लेकर सोनिया तक, लेकिन बात ना बनी है ना बनती दिख रही है। बीजेपी के भीतर भी ऐसा ही हाल है। वसुंधरा दावेदार हैं, लेकिन दिल्ली को ना मंजूर है। बीजेपी के भीतर वसुंधरा खेल कर भी दें तो पायलट जिस तरीके से वसुंधरा और गहलोत की साठगांठ की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों को हवा दे रहे हैं, उससे वसुंधरा की दावेदारी कमजोर भी हो सकती है। राजस्थान में दोनों पार्टियों का खेल लोकल पार्टियां भी बिगाड़ेंगी। एक तरफ जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाने वाले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रही है। नागौर के बाद अब प्रदेश की दो तिहाई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। आरएलपी का मजबूत होना बीजेपी को सीधा नुकसान करता है। राजस्थान के आदिवासी इलाके यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का बेल्ट बीटीपी जैसे छोटी पार्टियों पर भरोसा दिखा रहा है। ये भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चिंता का सबब है। रही सही कसर आम आदमी पार्टी की एंट्री और ओवैसी की दावेदारी पूरी कर रही है। इन दोनों की एंट्री से कांग्रेस का नुकसान तय है। ऐसे में धोरों की धरती इस बार किसी भी मिथ को तोड़ सकती है। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा हो, पारंपरिक वोटों का बंटवारा हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स का रुझान हो, मरुधरा का माहौल हर दिन बदल रहा है। सबकी नजर इसी बात पर है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।